नमस्कार दोस्तों, आप सभी काफ़ी दिनों से सामाजिक विज्ञान के पाठ योजनाओं की मांग कर रहे थे, तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 और 2 की शिक्षण योजनाएं। आपको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र छिपे हुए हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये शिक्षण योजनाएँ हैं। पहले 2 पाठ की शिक्षण योजनाएँ हैं। आप इन शिक्षण योजनाओं को ध्यान से देख लीजिए और ऐसे ही शिक्षण योजनाएँ आपको बनानी हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी यहाँ शिक्षण योजना कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 और 2। देखिए, शिक्षण योजना सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई शिक्षण योजना के अनुरूप ही है। जैसा कि उसमें फॉर्मेट दिया है, वैसे ही ये शिक्षण योजनाएँ आपको आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, शिक्षण योजना कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान और ये इतिहास की शिक्षण योजना है। लर्निंग आउटकम है, भारत में उस समय आने वाले विदेशी कंपनियों का उनसे संबंधित देशों के नाम बच्चे जो है बताते हैं। भारत में आने वाली प्रमुख व्यापारी कंपनी के भारत आने के मार्ग एवं भारत में इनसे जुड़े स्थानों की मानचित्र पर पहचान कर लेते हैं। पाठ 1 है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सामग्री विश्व का नक्शा और चार्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां हैं। चरण देखिए, शिक्षण के प्रारंभ में आपको क्या करना है। समय 5 मिनट है। आकलन के तरीके प्रश्नोत्तर विधि है। शिक्षक निम्न प्रश्न को पूछेंगे। गांव में किस किस का उत्पादन होता है? गांव में क्या बाहर से व्यापारी स्वयं आते हैं या स्वयं बेचने के लिए शहर जाते हैं? आप अपने शहर जाने के लिए किस साधन से जाते हैं? उपरोक्त प्रश्नों से पाठ की शुरुआत करेंगे। फिर आता है शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट और आकलन के तरीके है समूह चर्चा का आकलन। शिक्षक विदेशी व्यापार की समझ के लिए गांव की परिस्थितियों से चर्चा निम्न बिंदुओं पर करेंगे। बिंदु 1, वस्तुओं का उत्पादन। बिंदु 2, वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यापारी क्यों आते हैं? बच्चों के साथ स्वयं चर्चा और इसके उपरांत अंग्रेज़ों की नीति को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से लिखने को कहेंगे। बच्चे अपनी जो है नोटबुक में उसे जो है उतारेंगे। समेकन में है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद आदि सभी तरीके अपनाए। राजाओं से अनुमति मांगी, खुशामद की और कुछ भेंट भी की। दूसरा पॉइंट है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग 3 थे। पहला फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, दूसरा लाल सागर से सिकंदरिया तक समुद्री मार्ग और तीसरा मध्य एशिया से मिस्र होता हुआ यूरोपीय मार्ग। फिर तीसरा है, 1453 में तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर भारत तथा यूरोप के मध्य के व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए गए, अतः नए व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू हुई। फिर चौथा है, यूरोपियों व्यापारिक कंपनियों के दक्षिण भारत में स्थापना। पुर्तगालियों ने गोवा दमन दीव में व्यापारिक केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र बनाए। डच ने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र बनाए और फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही में व्यापारिक केंद्र बनाए। फिर पांचवा है, भारत से वस्तुओं के व्यापार के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए कंपनियां व्यापार के लिए कई लोगों का एक साथ सामूहिक प्रयास था जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। फैक्ट्री का अर्थ व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय से होता था। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कार्यालय में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। ये रक्षा किलों की तरह कार्य करते थे। एजेंट, व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए कार्य करने वाले नौकर को एजेंट कहते थे। एजेंट कारीगरों से सस्ता माल खरीदते थे। अगला पॉइंट है, व्यापारियों को अपना सामान भारत में या विदेशों में बेचने पर जो धन प्राप्त होता था उनसे कुछ धन स्थानीय राजाओं को देना पड़ता था, इसे कर कहते थे।
और अगला पॉइंट है, यूरोप से भारत तक जल मार्ग से यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। इस तरह से मेन मेन पॉइंट्स को बच्चों को जो है के सामने प्रकट करना है, उनसे इस पर चर्चा करना है, उन्हें बताना है। अगला पॉइंट है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटिश यात्री हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में गए थे। ये समीकरण पॉइंट्स हो गए। और फिर आता है शिक्षण के अंत में, बच्चों के दिए गए कार्य को जांचेंगे और आवश्यक मदद करेंगे। समय 5 मिनट है और आकलन के तरीके में है कार्य का आकलन। प्रदत्त गृहकार, बच्चे यूरोपीय मार्ग को नक्शे में बनाकर दिखाएं। अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, आदि प्रश्न जो है गृहकार में दिए जाएंगे। और शिक्षण की आगामी योजना में है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वांकलन। ये तो रहा मित्रों पार्ट एक। अब बात करते हैं हम पार्ट दो की। पार्ट दो की शिक्षण योजना आप देख पा रहे हैं, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विषय इतिहास है। लर्निंग आउटकम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तर भारत में प्रसार हेतु कंपनी के द्वारा किए गए प्रमुख समझौतों संधियों एवं उनके परिणामों को उल्लेख कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन भारत के पड़ोसी देशों में प्रसार की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। और पाठ का नाम है भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। और सामग्री है TLM या चार्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में आइए। शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट है और आकलन के तरीकों में प्रश्नोत्तर भी दी है। पहला चरण, यूरोपीय मार्ग के नाम बताएं। अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, पुर्तगालियों ने भारत में कहां पर किले बनाए, ये हो गया पूर्व ज्ञान पिछली शिक्षण योजना से रिलेटेड। फिर आता है शिक्षण के दौरान, बच्चों से समूह चर्चा निम्न बिंदुओं पर करेंगे। पहला, यूरोपीय कंपनियों ने भारत में सेना क्यों रखी। दूसरा, यूरोपीय भारतीय राजाओं के युद्ध में दखल क्यों देते थे। उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा में बच्चों के अनुभव को महत्व देंगे। अंत में समेकन करेंगे और 20 से 25 मिनट समय है समूह को दिए गए कार्य का अवलोकन। समेकन में क्या करना है आपको, यूरोपीय कंपनियों ने भारत में सेना इसलिए रखी क्योंकि भारत में राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने तथा उत्तराधिकार के लिए युद्ध में कंपनियों की मदद लेते थे। बदले में कंपनी को बहुत सारा धन और राज क्षेत्र प्राप्त होते थे। और दूसरा, कंपनी के काम में सेना का बहुत महत्व था। सेना कंपनी की सुरक्षा करती थी, साथ ही साथ राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करके कंपनी लाभ कमाती थी। सेना की ही सहायता से कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। पॉइंट है, भारत के राज्यों के दखल भारत के राज्यों में दखल करके कंपनियां व्यापार में मनमानी करके सस्ता माल खरीदती थी। दूसरी विदेशी कंपनियों को व्यापार से दूर रखकर चुंगीकरण से छूट प्राप्त करती थी। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने व्यापार में लाभ बढ़ाने और राज स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया। भारतीय राजाओं पर आक्रमण किए, उनके साथ की गई शर्तों को तोड़ा। क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप कर बड़ी चतुराई से उनमें फूट डालकर अपना राज स्थापित किया। अगला पॉइंट है, कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए। अगला पॉइंट, इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। अगला है, मुगल बादशाह के आदेश को फरमान कहते थे। फिर अगला, लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश कंपनी की तथा डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी की ताकत बढ़ाने का काम किया। फिर पॉइंट नंबर 9 है, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव राइस के बीच हुआ। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई। 10वां है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी, मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी कंपनी युद्ध जीत गई। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षण के अंत में बोर्ड पर दिए गए कार्य का अवलोकन करेंगे और अपेक्षित सहयोग करेंगे। इसके लिए 5 मिनट समय है और कार्य का आकलन। फिर बात आती है प्रदत्त गृहकार, प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, ये बच्चों को होमवर्क देंगे। और शिक्षक शिक्षण योजना पर शिक्षक का अपना स्व आकलन। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप डाउनलोड करके अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो मिलता हूँ मित्रों
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शिक्षण योजनाएं लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।